सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, धर्मशाला है ये। और ये है, ये लोग बोले हैं कि 8:30 में हम लोग को रूम मिलेगा। और इस साइड है फूड का प्रॉपर, इधर प्रॉपर खाने का इधर। और ये पूरा वेटिंग लॉन्ज है। और रूम अभी बहुत रूम अवेलेबल नहीं है, सो होपफुली 8:30 के बाद रूम अवेलेबल होगा। तनवी को 8:30 के बाद कैसा रहा मम्मी तुम्हारा कथा? 8:30 के बाद रूम मिलेगा है ना, यही बोले 8:30 के बाद, क्योंकि सारा रूम अभी इंगेज है, अवेलेबल नहीं है। सो वेट करते हैं। गुन्नू बहुत इरिटेटेड हो गया है सुबह से, वो एक जगह इसलिए गाइज गाइज बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो कब तक होगा। एक बोतल जा रहे हैं, पानी ढूंढ लाना पड़ेगा। इससे पहले भी और भी जगह गए थे बट सूट नहीं, क्योंकि बहुत थक गए। आते हैं पानी लेके। कौन सा इधर है? गुन्नू को बुला लेते ताकि उसके साथ जा पाए पानी लाने। चौकोस ले देते, सुबह से कुछ नहीं खाया। अंकल चौकोस दे दिए ना, एक 10 वाला चौकोस दे दो। बोलो सही था ही इनके पास, और कुछ नहीं था अवेलेबल। अब जो था लिया 30 वाला डाइट। गुनू अपना फोन पकड़ोगे क्या? ठीक है रहने रहने, तुम घर आओ। एसी है क्या अंकल? नॉन एसी है। ठीक, सो आइए आपको मैं रूम का टूर देती हूँ। सो दिस इज़ आवर रूम। ये है एंट्रेंस, और ये नॉर्मली ऐसे बाहर का ऐसा सीन है। नीचे वाला तो हम दिखा चुके हैं, ये ऊपर में ऐसे। गुन्नू जाओ, मामा बुला रही है। सो ये एंट्री के साथ सबसे पहले मिला है हम लोगों को टीवी एंड दिस मिरर। थैंक यू। और ये हम लोग का डबल बेड, और ये प्लीज जहाँ रख सकते हैं। ये बाकी यहाँ पे चार्जिंग का केबल वो दिया हुआ है, टीवी दिया हुआ है, यही दैट्स ऑल। मतलब कि नॉन एसी, हम लोग एसी नहीं किया, ऐसे भी ठंड था तो एसी नहीं किया। और इस रूम का कॉस्ट पड़ा है हम लोग को 600 रुपीज़। सो मेरे को लगता है ये वर्थ इट है भाई, 600 लिटरली। बहुत सुंदर रूम दिया, बहुत प्यारा ही रूम दिया है। सो अगर आप लोग भी आते हैं तो महेश्वरी आश्रम, यहाँ महेश्वरी आश्रम में आप लोग आके स्टे कर सकते हो। लिटरली बहुत प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल है गाइस, बहुत कंफर्टेबल। बहुत थक गए थे भी सुबह से, और लगा नहीं था कि मतलब कि रूम अवेलेबल मिलेगा ऐसा वाला करके। सो अच्छा रूम मिल गया। यू कैन सी हाउ नीट एंड क्लीन दिस इज।
सो आई थिंक वर्थ ऑफ मनी, आप लोग भी महेश्वरी आश्रम आके रह सकते हैं। मतलब ये आश्रम भाई होटल है। अब जाके थोड़ा सा फेस वॉश करते हो, नो सूज का तुम्हारा, मैं फेस वॉश भाई बहुत कंफर्टेबल। हम लोग तो दो ही लोग हैं भाई, आराम से इसमें आई थिंक तो चार लोग सो जाएंगे, तीन लोग सो जाएंगे प्रॉपर, और अगर प्रॉब्लम हो तो चार लोग भी सो सकते हैं। और खाने का नीचे ही है तो सब कुछ अच्छा है, अच्छा मिल गया है, बाकी कुछ चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। वॉशरूम इसमें बस है प्रॉब्लम कि हम लोग को ना कॉमन वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, बट ना मैं करने से पहले हम लोग अटैच वॉशरूम वाला रूम जो था थ्री बेड का, ऐसे डबल बेड ऐसा वाला बेड ना, तीन वाला था तो थ्री बेड का ऐसा बेड था, डबल बेड थ्री था तो थ्री बेड वाला था, तो हम लोग सोचिए क्या करेंगे हम लोग दो ही लोग रख के, बट एक वही रूम अवेलेबल था जिसमें अटैच वॉशरूम था, तो फिर लास्टली बोले हम लोग बोले ठीक है 1700 पड़ रहा था उस रूम का, तो हम लोग बोले कि ठीक है वो रूम कर लेते हैं। बट फिर उसके बाद ना हम लोगों ने सोचा, मम्मी हम बोले कि रुक जाओ एक बार अगर होता है, क्योंकि 600 में अवेलेबल होता तो वही कर लेते हैं, एक बार जाके कॉमन वॉशरूम चेक किए तो कॉमन वॉशरूम ऐसा गंदा नहीं था। मम्मी कैसा है वॉशरूम, अच्छा है ना, वॉशरूम नीट एंड क्लीन था, तो फिर हम लोग कर लिए। तो आप लोग भी अगर वाराणसी आते हो बनारस दर्शन करने के लिए तो महेश्वरी आश्रम लिटरली बहुत प्यारा है, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। एक और जगह गए थे 2000 रुपीस मांग रहा था रूम का, अभी आती फेस वॉश होते फिर जाएंगे खाना खाने के लिए। सो फेस वॉश कर लिए गाइस, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, इतना यहाँ मम्मी वहाँ पे कितना धूल उड़ रहा था वहाँ पे, बाप रे सब ट्रॉली में देखो पूरा धूल जम गया, इतना धूल पर्स में मतलब सब जगह धूल जम गया, देखो टीवी ऑन चुका है मेरा, टॉवल सब इसमें। सो अभी खाएगा गुन्नू चौको से, अभी जाएंगे नीचे, अभी जाएंगे, चल रहे नीचे लॉक कर रहे, चलो हमें अभी जा रहे खाना खाने की, सुबह से लिटरली सुबह से भूखे हैं, सो अभी जाते नीचे खाना खाते हैं। तो लाए ना लोग चादर बोलने, ऐसे एक बार पूछ बोल गुन्नू शूज पहनो, अभी हम लोग शूज ऐसे डाल लिए, पूरा शूज वूज पूरा मिट्टी मिट्टी लग गया है यार। हाथ वही तो करके दिए, गुल्लू पूरा चैलेंज पूरा दिखा रहा है, गुल्लू दूर रहो, गुल्लू का फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा ज्यादा वो एक्साइटेड है करके कह सकते हैं सब। खाना खा लेगा ये खाना, दो प्लेट लगा दिए। सो भाई सबको मिल गया खाना, हम लोग से अच्छे से आराम से आएंगे, बट रूम में हम लोग को लेट से मिला, देखते हैं भाई अभी यहाँ पे भी रूम के लिए भी वेट करवाया, अब खाने के लिए भी वेट करवाएगा तो दिक्कत है, बट दिया है अच्छा फैसिलिटीज, कह सकते हैं कि फैसिलिटीज अच्छा है। प्रॉपर हाफ एन आवर वेट करने के बाद खाना आ रहा है यार, भूख तो बहुत तेज लगा हुआ है। एक्चुअली ना हम लोग पेमेंट किए हैं उसका रसीद लिए, पूछ क्या था रसीद का है क्या काउंट, क्लियर ही रहेगा सारा सीन, रसीद देंगे क्या रसीद वो तो जाने लगेंगे, हाँ तब 200 रुपए देंगे, हाँ तो याद रखिए हवन पर हम क्या याद रखेंगे, आप देंगे तो आपको तुरंत कट के भेज देंगे। ओके ठीक है 200 और देना है ना मेरे को, बस वाईफाई है क्या यहाँ पे, क्या है पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड ले लिए, वो बोले ना कि जाने टाइम में आपका 200 कट कर देगा उसी टाइम बिल मिलेगा, डोंट वरी भूलेंगे, हाँ भूलिएगा मत भैया बिल्कुल भी नहीं, बोले ठीक है वाईफाई का पासवर्ड ले लिए कि बोले वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए, वाईफाई कनेक्ट कर दिए मेरा, सही रहेगा ना वीडियो सब डालने में इजी रहेगा,
भाई वो पूछ के गया प्लेट लेके, अभी तक लेके नहीं आया है। आज हम मर जाएंगे भूखे। भूखे नहीं मरोगी, जिंदा रहो। सर मुझे चाय पिलाए उसको, अच्छा वाला। उसका वीडियो नहीं बना पाए यार, बहुत थक गया था, फोन भी चार्ज नहीं कर पाया। हम दोनों मर जाए अभी। So here is our meal. और मील में हमारा दिस इज रोटी और चावल, आलू का सब्जी देगा, चावल भी है। गर्म पानी चाहिए। अच्छा पूछते हैं, ये है आलू, ये सब्जी। मम्मी क्या का सब्जी है? बंदा गोभी का। और ये आलू टमाटर की सब्जी है, ये दाल है, और ये चटनी है, और ये मूली है। मूली नहीं खाएंगे, खांसी हो जाएगी। खाओ गुन्नू, टेस्ट करो तो। रोटी, रोटी तोड़ के दो। रोटी में घी लगा हुआ है, लो टेस्ट। टेस्ट टेस्ट करते हैं, आलू टेस्ट करें सबसे पहले हम लोग। खाना खराब नहीं है, ठीक है ना? खाना ठीक है, खराब नहीं है, अच्छा है। लोगों ने ऐड किया है इसमें चावल। कैसा है खाना माँ? अच्छा है, अच्छा मीन्स अच्छा, एकदम अच्छा नहीं है, लेकिन हमें भी चाहिए तीखा नहीं। मम्मी तीखा खाती है, आएंगे तो पूछ लेंगे। हमको चावल पसंद है, हम चावल खाएंगे। गर्म पानी से बोलना आएगा तो माँ के लिए गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि उसको खांसी हुआ, खांसी तो हमको भी हुआ है। दोनों जन गर्म पानी पिएंगे। यहाँ पानी गर्म खुद करना है, कैटल दिया हुआ है तो वही बेटर है। पेमेंट हो गया गाइस, 210 में मस्त खाए, पूरा फुल पेट खाए, अच्छा खाना था, वर्थ इट था, ऐसा नहीं थी वेस्ट ऑफ मनी नहीं था। लो गुनो, जल्दी करो, कल सुबह पनवेल निकलना है। कमल So that's all for today vlog. Like, subscribe and share. मिलते हैं next vlog में, तब तक के लिए bye bye. कल का vlog और भी interesting आएगा, और I think so आज से ज़्यादा कठिनाई भरा जो भी है वो whatever it is वो होगा। देखते हैं कल का दिन कैसा होता है हमारा बनारस में। Bye bye.